आपका हमारे YouTube चैनल कश्यप क्लासेस पर स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स 2019 822 AX इसके कुछ क्वेश्चन करा चुके, उससे आगे देखिए जो हो चुके। क्वेश्चन नंबर 5 का ख पार्ट। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कृपया आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचिए, ध्यान से देखिए, ये कोई रेखाखंड खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, 4 सेंटीमीटर प्रकार में लेकर ए पर वृत्त बनाइए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर इधर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इधर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ड्रा करना। अब आपको एक दूसरे पर स्पर्शरेखा खींचनी है, इसके केंद्र से इस पर और इसके केंद्र से इस पर। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी लाइन ए बी है, रेखाखंड ए बी, इसका अर्धक कीजिए। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक चाप ए से लगाइए और एक बी से लगाइए, इसको मिला दीजिए डॉटेड, ये पॉइंट एम आ जाएगा। एम से ए तक की दूरी लेकर ऐसे बिंदुदार वृत्त बना लीजिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना है रचना में। इसको आर मान लीजिए, एस पी और क्यू, इधर पी को ए को मिलाते हुए लाइन, इधर ए को और क्यू को मिलाते हुए लाइन, इधर बी और आर को मिलाते हुए लाइन और इधर बी और एस को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, स्पर्श से हो जाएंगे। ए से ए के केंद्र से सर्कल बी वाले केंद्र पर और बी से ए वाले केंद्र पर हो जाएंगे। तो आपको इस ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का है। थोड़ा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा स्पीड से कराया, जिससे पेपर जल्दी से हो जाए। गया का फर्स्ट पार्ट, साइन की 4 थीटा, कोस की 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। इसमें एलएचएस उठा लीजिए, साइन की 4 थीटा, कोस की 4 थीटा। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी, ए स्क्वायर -b स्क्वायर। इसको एक बार माइनस में लिख लीजिए, एक बार प्लस में, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे को पता है 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब हमारे को जो आंसर है साइन के टर्म्स में लाना, तो कोस को साइन के पदों में चेंज कर लीजिए। तो हमारे को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई गुना कीजिए, ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस ये ऐड हो गए, 2 हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे को प्रूव करना था, इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। इस पेपर का जो PDF लिंक है इसी वीडियो, इससे पहली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कोस थीटा कॉमन लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इसको सिंपलीफाई कीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इसकी 1 में कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 1 और 1 2 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ पर एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 2। कोस का ऊपर जाने के बाद सेक थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास sec 60 की वैल्यू होती है।
यहाँ से थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 5 का घ पाठ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से करके जाना है, ध्यान से समझिए। वर्ग अंतराल 12 बार था और यहां पे हो जाएगा मध्यमान, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता लिखिए 5, 18, 15, P और 6, ये हमारा एफ आई हो जाएगा। यहाँ पर एक्स आई निकालिए मध्यमान, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कीजिए, 0 और 10, 10 हो जाएगा, 10 का 5, 30 हो जाएगा, 15, 25, 35, 45, ये हमारा एक्स आई आ गया यहाँ से। अब एफ आई इंटू एक्स आई, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, 18 × 90, 0, 18 और 9 हासिल के 27, ये 27 हो जाएगा, 15 × 75, 15 × 2 = 30 और 7 = 37, ये हो जाएगा 35P, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6 × 35, 6 × 24 और 3 हासिल के 27, 270 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कीजिए, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड कीजिए इन सभी को, पी प्लस ये हो जाएगा 10, 18 ये हो जाएगा 4, 34, 24। हासिल कितना लगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 4। इन सभी को ऐड कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है, समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर हमारे को समांतर माध्य की वैल्यू गिवन है 25, इन सभी को ऐड करके यहाँ पर रख दीजिए और सिग्मा एफ आई यहाँ पर रख दीजिए। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास पी की वैल्यू 16 आ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन आपको खुद करनी है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो चुका इससे पहले पेपर में भी था। थोड़ा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन करके सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक नाव के शांत जल में चार 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए 6 का क्या पार्ट, माना धारा की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल हमारे को दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी, धारा भी उधर को ही जा रही है और नाव भी, तो ये हो जाएगा 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत, नाव की चाल हो जाएगी 15 − x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कंडीशन लगाइए प्रश्न अनुसार, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल, ये जाने का समय हो जाएगा, 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय दूरी बटे ये चाल हो जाएगी, बराबर 4 घंटे 30 मिनट। यहाँ से 30 कॉमन ले लीजिए, 1/15 + x, 1/15 − x, यहाँ पर मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए 1/2, क्योंकि आवर में, एलसीएम लीजिए
माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9/2, यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 से काट लीजिए, 3 × 9 = 30, ये आ जाएगा 30 और ऐड होकर हो जाएगा वो 10, 30/225 − x², इधर 2/3/2, इसको फिर डिवाइड कीजिए 3 से, 10 आ जाएगा इधर पर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 200 और इसके इधर मल्टीप्लाई कीजिए 225 − x², एक्स स्क्वायर को बराबर से इधर लाइए और 200 को बराबर से उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 25, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 5, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है, तो धारा की चाल आ जाएगी हमारे पास 5 km/h। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार यूपी बोर्ड में ये आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और अभी NCERT की बुक में ये उदाहरण भी, ये शायद 2015 में भी आया है यूपी बोर्ड में से। नेक्स्ट देखिए, खैर पाठ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, जबकि उसके आधार से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक तरफ टावर बना लीजिए और दूसरी ओर भवन, ये हमारा टावर हो जाएगा और ये भवन हो जाएगा। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसको मिला लीजिए, ये हो जाएगा 45 डिग्री। भवन के शिखर से टावर के शिखर का, जबकि उसके आधार से टावर के शिखर का, आधार से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर गिवन है, इसको एक्स मान लीजिए, ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, EB और DC, और टावर की ऊंचाई एच मान लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आना है आपकी परीक्षा में, और ये हो जाएगा h-7, ये इतना माइनस हो जाएगा ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए। तो हमारे को टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, माना मान लीजिए जो हमारे को पूछा है उसी को मान लीजिए, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये हो जाएगा BC/AB, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा cos थीटा, cos 60 डिग्री, x/h, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x = h/√3। पुनः समकोण त्रिभुज AED में, AE/ED लंबटे आधार, ये हो जाएगा 10 थीटा, 10 45 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h-7/h, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। अब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू सेकंड में पुट कर दीजिए, देखिए ध्यान से, हमारे पास हो जाएगा h-7 = x, x की वैल्यू पुट कर दीजिए h/√3, इक्वेशन फर्स्ट से x का मान सेकंड में रखने पर, तो इसके इधर मल्टीप्लाई कीजिए √3h, 7√3, इधर h बच जाएगा √3h − h, इसको बराबर से उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, h कॉमन ले लीजिए, √3 − 1, 7√3। इसके बाद देखिए 7√3/√3 − 1, अब आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, इस तरह क्वेश्चन में नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यह आ जाएगा हमारे पास h 7√3 √3 + 1, तो ये हो जाएगा a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, ये 2 आ जाएगा नीचे सिंपलीफाई करने के बाद,
और 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 3.5 आ जाएगा, 3.5। तो 3.5 इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, √3 + √3 √3। आप √3 की वैल्यू रखकर इसको आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आप खुद करना, एक आधा स्टेप जो बचा है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे को एक ठोस बेलन के रूप में दोनों सिरों से अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 मीटर है। और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए गैप आर्ट, छह का गैप आर्ट। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये हमारे को एक बेलन दिया हुआ है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले, इधर भी और इधर भी। संपूर्ण ऊंचाई मतलब लंबाई हमारे को 19 मीटर दी हुई है, सॉरी सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है, सिरे का व्यास हमारे को 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये भी 7/2 सेंटीमीटर। अब एच बताइए कितना हो जाएगा, तो 3.5 इधर से कम हो जाएगा, 3.5 इधर से। 19 में से 7 माइनस कर दीजिए तो 12 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो हमारा जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस जो हमारे को एक ठोस दिया हुआ है इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ बताना है। पहले आयतन निकालिए, ठोस का आयतन। तो आपको ध्यान से देखना है, इसमें एक तो बेलन है और 2 अर्ध गोले। तो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुना, क्योंकि दोनों अर्ध गोले समान है, अर्ध गोले भाग का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध गोले का लगाइए 2/3 पाई आर की क्यूब। इसमें से कॉमन ले लीजिए पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर एच बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 4/3 आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके। अब सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 आर हो जाएगा 7/2, 7/2 एच की वैल्यू 12, 4/3 और आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 की 7 में मल्टीप्लाई करके 77/2। और इधर हो जाएगा 12 + ये हो जाएगा 14/3। अब इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, 77/2 ये हो जाएगा, बात यह 36, 40, 50/3 हो जाएगा। अब इसकी से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 25 आ जाएगा। 77 और 25 की मल्टीप्लाई करके आपको 3 से डिवाइड करना है, घन सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसी क्वेश्चन में आपको ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान से देखिए, संपूर्ण पृष्ठ में बच्चे बहुत गलती करते। तो आपको बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ जोड़ना है, प्लस 2 गुना अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठ। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, आपको ध्यान से समझना है, दोनों के वक्र पृष्ठ जोड़ने हैं। बच्चे क्या करते हैं, बेलना का भाग का संपूर्ण पृष्ठ जोड़ दिया जाएगा और अर्धगोले का, सब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाले पार्ट इसके जॉइंट हो चुके, तो दोनों के केवल वक्र पृष्ठ बचे हैं, बेलन का और अर्धगोले का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास 2πRH और अर्धगोले का हो जाएगा 2πR2। इसमें से कॉमन ले लीजिए 2πR, यहाँ पर h बच जाएगा और इधर 2R। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7
आर की वैल्यू 7/2, एच की हो जाएगी 12 और आर की हो जाएगी 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 22 इंटू इधर 2 कैंसिल हो जाएगा 19। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है इसमें दोनों के वक्र पृष्ठ जोड़ रहे हैं, न कि संपूर्ण पृष्ठ। यहीं पे गलती होती है इस क्वेश्चन में और कहीं पर। नेक्स्ट देखिए, घे पाठ देखिए, देनी का है, इसके बाद श्रमिकों की संख्या, हंड्रेड से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। बारंबारता लिखिए 6, 3, 5, 20, 10। अब इसके बाद यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालिए। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले डिजिट को जोड़कर तो रखना है, जोड़ते चले जाइए 9, 14, 34 और ये हो जाएगा 44। इन सभी को ऐड करके देखना, ये भी 44 होना चाहिए वरना कहीं पर गलती हो चुकी। तो अब इसको हाफ कीजिए, माध्यिका निकालने के लिए इनका हाफ कीजिए, 44/2 ये आ जाएगा 22। तो जो हमारा 22 है 14 के बाद आता है, मतलब यहाँ पर पड़ेगा। ये देखना है एन बाई टू कहाँ पर पड़ता है, तो इससे ऊपर का सी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, L1 L2। यहाँ रखना है सी इससे ऊपर का लेना है जिसमें ये एन बाई टू पड़ता है। तो यहाँ सब आपके सामने है, सी एफ L1 L2। फॉर्मूला लगा दीजिए माध्यिका का, माध्यिका बराबर L1 L2 - L1/F, N/2 - C। ये बॉक्स में अलग अलग फॉर्म्स में लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ H भी लिख सकते हैं, L2 - L1 के प्लेस पे H भी लिख सकते हो। L1 लोअर लिमिट यहाँ से 200 हो जाएगा, अपर लिमिट 250, 200, F हो जाएगा हमारे पास 5, N/2 22 और C की वैल्यू है हमारे पास 40। 250 हो जाएगा 5 और यहाँ पर बचा हमारे पास 8। इसको इससे डिवाइड कीजिए, 10 आ जाएगा, 200 + 80 तो 280 आ जाएगा। तो जो हमारी माध्यिका देनिकाय है 280 आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार आया परीक्षा में। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन 7 का कै पार्ट, 1/a + b + x, 1/a + 1/b, 1/x। आपको इसको सिंपलीफाई करना है, तो 1/a + b + x, 1/x को बराबर से इधर लाइए, इधर 1/a बचा, 1/b इधर, इसको सिंपलीफाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, इसके इधर मल्टीप्लाई कीजिए, -a - b - x हो जाएगा। नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, a + b + x, यहाँ पर a + b, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, नीचे दोनों की, तो ये हो जाएगा हमारे पास x, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, x a x b, ये हो जाएगा x2, अंदर x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, a + b / a b, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में मल्टीप्लाई होकर x a x b + x2, और इसकी इधर मल्टीप्लाई होने के बाद ए बी, तो ये हो जाएगा x2 x a, थोड़ा सही करके लिख लीजिए, प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन ले लीजिए, x + a, इधर से b कॉमन ले लीजिए, x + a। तो हमारे जो इसके फैक्टर आ जाएंगे, x + a x + b = 0,
दिस इज इम्प्लाइज दैट जब इनको अलग अलग जीरो के इक्वल रखा जाएगा तो ए और माइनस बी आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू माइनस ए और माइनस बी आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो, और हमारे को सेकेंड इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। के वास्तविक मूल वो तो के का धनात्मक मान ज्ञात करना है, तो आपको या तो फर्स्ट पार्ट करना था यही, तो आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया, इसको भी कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, सात का खै पार्ट। इसकी फिगर देखिए, ए बी ये हमारे को सी एल और एम। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन ए समकोण है, ए पर ये समकोण है, बी एल और सी एम उसकी माध्यिका है, तो सिद्ध कीजिए ये हमारी माध्यिका है, मतलब ये सामने वाली भुजा का अर्धक कर रही है। तो हमारे को सिद्ध करना है फोर बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी सी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। पहले ये वाला ट्रायंगल लीजिए, कोई सा भी ले सकते हो आप, त्रिभुज सी ए एम में पाइथागोरस पर में लगाइए, सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः त्रिभुज एल ए बी में इसमें पाइथागोरस पर में लगाइए, बी एल का स्क्वायर एल ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, आधार कारक प्लस लंब कारक, इक्वेशन सेकेंड हो ये हो जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, या त्रिभुज सी ए बी में ये भी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, सी एम का स्क्वायर बी एल का स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस एल ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमारे को पता है सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ये बी सी स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन थर्ड से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के प्लेस पे बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, ए एम, ए एम जो है ए बी का हाफ है, क्योंकि सी एम माध्यिका है, इसका हाफ हो जाएगा, और जो हमारा एल ए हो जाएगा सी ए का हाफ हो जाएगा सी ए का स्क्वायर। बस आपको इसको सिंपलीफाई करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सी एम का स्क्वायर बी एल का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर वन बाय फोर स्क्वायर होने के बाद ए बी स्क्वायर वन बाय फोर सी ए स्क्वायर, सी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर बी सी स्क्वायर वन बाय फोर कॉमन ले लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर बी सी स्क्वायर, हमारे को पता है ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, अभी आपने लिखा था इससे पहले बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए,
सी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर, फोर के इधर मल्टीप्लाई कीजिए, फोर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन फोर। अब ये अपॉन में से फोर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, सी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर ये ऐड होने के बाद फाइव बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हमारे को प्रूव करना था, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वे बच्चे भी लाभ उठा सकें जिनकी तैयारी थोड़ा अधूरी है। धन्यवाद।